यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएम मोदी को गुजरात का कसई कहा था। अब इस बयान को लेकर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास अज्ञात आतंकवादियों की ओर से सुबह सुबह गोलीबारी की गई। इस घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं पुलिस, सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन के अधिकारी साइट पर हैं। सोनाली फोगाट मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने अपनी चार्जशीट में यह खुलासा किया है कि सोनाली फोगाट को एमडीएमए ड्रग्स जबरदस्ती दी गई थी। वो भी एक बार नहीं बल्कि 7 बार उसे प्लास्टिक की बोतल से ड्रग्स पिलाई गई थी। जहरीली शराब कांड मामले पर गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत तमाम बीजेपी के नेता छपरा पहुंचे। यहां पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। फिल्म पठान को बायकॉट करने की मांग सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। ऐसे में अब स्वरा भास्कर का भी समर्थन एक्ट्रेस को मिल रहा है। दीपिका को सपोर्ट करते हुए स्वरा ने एक ट्वीट किया है और देश के राजनेताओं पर निशाना साधा है।